हाँ तो भाई अभी वहाँ पे रुके थे थोड़ी देर, क्योंकि मैं कल रिचार्ज कराना भूल गया। उस वाले फ़ोन का इंटरनेट हो गया ख़त्म, बिना इंटरनेट के नेविगेशन चल नहीं सकता, तो इसलिए दूसरे फ़ोन से हॉटस्पॉट खोला, तब जाके इसमें नेविगेशन चलाया। काशीपुर पहुँच के सबसे पहले इसमें रिचार्ज करूँगा। बाकी अभी टोटल वैसे तो हमें 95 किलोमीटर जाना था, अभी इसमें दिखा रहा है 75 किलोमीटर बचा है। चलो तो भैया पेट्रोल पम्प पर जाके पहले पेट्रोल डलवाते हैं, क्योंकि टैंक हो गया खाली। मुझे लगा था यहाँ तक आराम से पहुँच जाएगी। पेट्रोल प्रीमियम वाला तो है नहीं, सादे डलवाना पड़ेगा। 10 डाल दो, 10 लीटर डाल दो, अच्छे से लगा दियो टंकी। तो भैया फाइनली काशीपुर पहुंच गए, और अभी जो लोकेशन मुझे भैया ने भेजी है वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो काशीपुर में कोई लोकेशन है तांडा मोड़, अभी हमें वहीं जाना है, वहीं पर मिलेंगे भैया और बाकी उनके जो दोस्त वगैरह हैं वो वहीं पर मिलेंगे। मुझे 2 घंटे 20 मिनट लग गए आने में। यहाँ सारे में वहाँ पे X95 पेट्रोल ढूंढ रहा था, वहाँ मिला नहीं किसी भी, और यहाँ पे पेट्रोल पम्प मिले तो एकदम से इतने सारे पेट्रोल पम्प मिले हैं। कोई नहीं, चलो फिलहाल तो ये तांडा मोड़ पे चलते हैं। ये तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे पहले रुका हूँ, ये रहे। पहुंच गए, अभी कहाँ पहुंचे, अभी तो बहुत दूर है। कितनी देर में आएंगे भैया? रास्ते में बस निकल गए वहां से। तो भाई ये गाड़ी आ गई अपनी, अपना गाड़ी से जा रहे हैं और हम जाएंगे बाइक से। ठीक है बाय भाई। चलो भाई चलते हैं। तो वो सब लोग तो भाई गाड़ी में जा रहे हैं और हम जाएंगे अपनी बाइक से। तो सारे लोग इस वाली गाड़ी में बैठ गए और हम चल रहे हैं भैया अपनी हिमालयन से फिर नैनीताल, मतलब तो साथ साथ में ही रहेंगे, आगे पीछे ज़्यादा दूर तो रहेंगे नहीं। अभी फ़िलहाल गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, उसके बाद पेट्रोल डलवा के तब निकलते हैं यहाँ से। वो अचानक से एकदम रात रात में प्लान बन गया। पेट्रोल डल गया, अब निकलते हैं यहाँ से भाई। तो अभी नैनीताल जाना है यहाँ से, नैनीताल जाने से पहले यहाँ बीच में कुछ खाएंगे पियेंगे फिर चलते हैं, क्योंकि सुबह से अभी तक किसी ने भी कुछ खाया नहीं है। तो अभी 8 बज चुके हैं, तो यहाँ से थोड़ी दूर जाके भैया बता रहे हैं कोई ठाक सा है खाने के लिए, रेस्टोरेंट ढाबा जो भी है वहाँ पे चलते हैं, फिर वहाँ पे पहुँच के खाना वाना खाते फिर निकलते हैं। गर्मी जिस हिसाब से हो रही है अभी तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हो रही। ऊपर से भैया बाइक पर पता लगता नहीं है, गर्मी पता लगती है रुकने के बाद। बाकी जहाँ तक ये है नैनीताल में गर्मी तो नहीं होगी, यहाँ से ठंडा मौसम होगा। तो भाई अभी यहाँ पे रुक गया खाना खाने के लिए, देखते हैं क्या सीन है। तो भाई सीन ऐसा है, अभी यहाँ पे नाश्ता तो स्टार्ट हुआ नहीं है, तो हम जा रहे हैं अब दूसरी जगह, कहीं और रुक के नाश्ता करेंगे, तो कहीं और चलते हैं। 7-8 बजे भी यहाँ खाना स्टार्ट नहीं हुआ, खाना शुरू नाश्ता। चलो मिलते फिर आगे। नैनीताल यहाँ से 31 किलोमीटर बचा है, यहाँ पे वो भैंस की यहाँ गाड़ी ढूंढी पड़ी है, बहुत गंदी हालत हुई पड़ी यार। फिर ये बैठे ये प्यारे प्यारे फूल भी स्टार्ट हो गए। ये लास्ट टाइम भी मैं जब यहाँ रुका था तो मैंने यहाँ पे चाय पी थी, और ये चाय और पकौड़ी बहुत बढ़िया देता है। देखता हूँ उनसे पूछ के। तो भाई इस मोड़ पे जो शॉप है, लास्ट टाइम भी हम यहीं पर रुके थे, मैं जब आया था अपने दोस्तों के साथ, तो यहाँ पे मतलब चाय और पकौड़ी अच्छी थी, मेरे को तो टेस्टी लगी थी, तो मैंने सोचा आगे को कुछ पता नहीं है तो यहीं पे रुक जाते हैं। बाकी वो लोग उधर गाड़ी खड़ी करने गए और हम यहाँ रुक गए। हाँ तो भैया यहाँ पे मैगी चाय और पकौड़ियाँ खा के हम निकल गए, अब सीधे जाके देहरादून याद आ रहा है बार बार, नैनीताल रुकेंगे। हाँ तो भाई हम नैनीताल बचा, और 29 किलोमीटर दिखा रहा है अभी पीछे की तरफ, नैनीताल यहाँ से 19 किलोमीटर दिखा रहा था, अब 19 एकदम से 29 हो गया। यहाँ का ये सीन मुझे समझ में नहीं आता, एक जगह 41 किलोमीटर दिखा रखा था, उससे आगे चला तो 31 हो, मतलब 51 हो गया था, आगे चलने पे यहाँ पे उल्टा ही होता है, बढ़ जाता है। तो भाई जो बोर्ड्स वगैरह लगे उनका तो भरोसा करना मत। नैनीताल का अब यहाँ से सीन स्टार्ट हो गया है, पहाड़ आ गया है, पहाड़ पे हम
पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो गया, ये प्यारे प्यारे टर्न। अभी इतना एक्सपर्ट हुआ नहीं हूँ मैं इन पर चलाने के लिए, बट ये है मज़ा, आप धीरे धीरे सीख जाऊँगा। अभी क्या सीन है ना, जो जैसे पहाड़ी लोग होते हैं एक स्पीड मेंटेन करके रखते हैं, उस चीज़ में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, बाकी चलाने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है भाई, नैनीताल के रूट की ये अच्छी बात है। यहाँ पे मतलब एक तो रोड बहुत अच्छी है, तो दूसरी बात ये है सेफ, जो साइडों में ये रेलिंग टाइप बनी हुई है साइडों में, कि वैसे इस पर बाइक या गाड़ी कुछ भी चलाते हुए ना सेफ महसूस होता है। जब ऐसी रोड आ जाती है जहाँ पे भाई रेलिंग वेलिंग कुछ नहीं है, सीधे नीचे खाई में जाओगे, डर ऐसी रोड पे लगता है, तो नहीं लगता मुझे इतना, बट शुरू में लगा करता था। तो अगर आप आ रहे हो, आप कुछ चलानी सीखनी है पहाड़ पे, के मन में भी डर हो, तो आप नैनीताल वाली रोड पर आ सकते हो आराम से, यहाँ पे अच्छे से सीख जाओगे। अपनी हिमालयन का ये तो फ़ायदा है, रोड कैसे भी हो कुछ भी हो दिक्कत नहीं देती, और पहली सर्विस के बाद तो बहुत भी बढ़िया हो गई है, बहुत ही स्मूथ चल रही है। लास्ट टाइम जब मैं मनाली गया था, मनाली कह रहा हूँ मसूरी गया था, तो वहाँ पे ये इशू फेस कर रहा था, इसके इंजन में साउंड आ रही थी, और आई थिंक मुझे लाना नहीं चाहिए था फर्स्ट सर्विस से पहले, बट मैं ऐसे ऐसी रोडों पे ले गया ना, ऐसे कोई नॉर्मल बाइक आ जाती ना फर्स्ट सर्विस से पहले उसकी हालत ख़राब हो जाती, बट ये अपनी हिमालयन ज़रा सी दिक्कत नहीं थी इसमें। क्रेटा पता नहीं है अब क्रेटा कहाँ है, अपनी गाड़ी वो पीछे रह गई है, हम अब सीधा नैनीताल ही मिलेंगे उनसे। अभी हम यहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उनका कुछ पता नहीं है कहाँ रह गए, नहीं ये वाली गाड़ी तो नहीं है अपनी, पता नहीं कहाँ रह गए वो, कितनी धीरे धीरे चला रहे हैं। यहाँ से दो रूट जा रहे हैं, एक सामने से जा रहा है नैनीताल के लिए और एक इधर से जा रहा है, अभी उनके लिए रुकना पड़ेगा, ये सीन ना हो जाए वो सामने वाले से निकल जाए और हम पीछे वाले, इसलिए थोड़ी देर यहाँ रुके हैं, उनका वेट करना पड़ेगा। बाकी यहाँ मौसम भाई साहब क्या सेक्सी मौसम हो गया, हवा तो भाई बहुत ही तगड़ी चल रही है, ठंडी ठंडी, बस उन लोगों का वेट हो रहा है वो कब तक आएंगे। जैसे निहारिका को उल्टी आ रही थी गाड़ी में, तो ये बाइक पे आ गई है, तो भाई एक बंदा और चित हो गया अपना, उल्टी आ रही थी तो वो पीछे रुक गए, तो वही तो कहूँ यार, वो तो मतलब अच्छे से आ रहे थे, अचानक से इतनी पीछे कैसे रह गए, हमारे साथ ही साथ चल रहे थे, कोई नहीं। तो भाई अभी फिलहाल यहाँ आ गए, यहाँ बोले तो ये इधर से सामने उधर, एक सेकंड, वहाँ जो वो लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं वो साइड पॉइंट कह लो लवर्स पॉइंट कह लो, ये है, बाकी मेरे हिसाब से कुछ ऐसी खास जगह है नहीं, बस यहाँ पे एक छोटी सी गली जा रही है लवर्स पॉइंट, बस इधर जा रहे हैं। हाँ तो भैया नैनीताल में एंटर करते ही इतना तगड़ा जाम मिल गया, देख रहे हो, लेकिन अपनी बाइक का ये तो फ़ायदा है, ये लोग देखो यहाँ फंसे हुए रह जाएंगे और हम धीरे धीरे आराम से निकल ही जाएंगे। बाइक का ये तो बहुत फ़ायदा होता पहाड़ों पे। ये देखो बद्दो बद्दी निकल गए हम तो, और वो लोग अभी थोड़ी देर तक वहीं अटके रहेंगे, दिक्कत ये है उन लोगों के साथ आए तो आगे जाके वेट करना पड़ेगा। यहाँ से नैनीताल स्टार्ट हो गया, और अगर आप नैनीताल आ रहे हो तो भाई मैं सच्ची मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा ये लवर्स पॉइंट पे आप जाओ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो भाई टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल अच्छा लगा नहीं था। यहाँ तो आराम से बाइक करो बंद, डालो न्यूट्रल पे और चल लो। इन लोगों की वजह से हमें बार बार जाम में रुकना पड़ रहा है, सिर्फ इन लोगों की वजह से, वरना हम तो आराम से चले जाएं आगे। एक किलोमीटर बता रहे हैं यहाँ से, अब पता नहीं कितने अंदर जाके होगा। हाँ तो भाई अब हम फिलहाल हैं माल रोड पे, और ये है नैनी झील, और ये है अपनी गाड़ी जिसे पता नहीं है कहाँ जाना है, इतनी देर से ढूंढ रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है जाने किधर है। नैनी झील हम शाम के टाइम आएंगे मुझे तो लगता है, अभी तो आना मुश्किल है क्योंकि सब थके हुए हैं। मेरा मन कर रहा है मैं तो बाइक ठा के आ जाऊँगा, इन लोगों का तो कुछ नहीं पता, इनको पता ही नहीं लग रहा होटल कहाँ पे है। तो भाई सीन ऐसा है, होटल तो अभी पहुँचे नहीं है, ये पता नहीं कहाँ लेके आ गए, अब सीधा होटल में मिलेंगे, ठीक है, ओके बाय। तो गाइस फाइनली अपनी बाइक यहाँ लगा दी है और हमें ये वाला होटल लिया है, और पता है होटल के जो रेट है यहाँ भाई बता नहीं सकता मैं, आसमान छू रहे हैं। तो अगर तुम भी आने का प्लानिंग कर रहे हो तो अभी तो आना मत, सबसे बढ़िया है भाई ऑफ सीजन में आओ तभी बढ़िया है, अगर तुम्हारे पास अंदर पैसा है तो आ जाओ अभी। फिलहाल तो इधर लिया है रूम और हालत ऐसी होगी, बट ये देखो ये व्यू,